भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सिकंदर मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई सलमान खान के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है सिकंदर मूवी के लिए। सलमान खान के फैंस भाई साहब खुशी से नाचने लग जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों क्या आने वाला है? पोस्टर मोशन आने वाला है, टीज़र आने वाला है, ट्रेलर आने वाला है, सॉन्ग आने वाला है या डेट अनाउंसमेंट टीज़र आने वाला है? दोस्तों क्या आने वाला है? अगर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो गाइस आपको यकीन हो जाएगा कि भाई सिकंदर मूवी का सलमान खान का जन्मदिन पर क्या आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि सलमान खान इस वक्त अपनी सिकंदर मूवी की शूटिंग में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। भाई मैंने कभी ज़िंदगी में सलमान खान को मूवीज़ के लिए इतनी तगड़ी मेहनत नहीं करते हुए देखा, लेकिन भाई इसकी मेहनत के पीछे भी दोस्तों बहुत सारी वजह हैं। दोस्तों ऊपर से भाई सलमान खान की 2018 से 17 से भाई कोई भी मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक शेर की तरह दोस्तों धाड़ की तरह भाई हिट नहीं हुई, यानी कि भाई छोटी मोटी हिट हुई हैं, कलेक्शन करा, बजट निकल गया, थोड़ी बहुत कमाई करी, लेकिन भाई जो हिट होती है जैसे कि पठान जवान हिट हुई है दोस्तों भाई खुशी होती है फैंस को भी, भाई हमारे एक्टर ने इतनी तगड़ी कमाई करी है। सलमान खान भी दोस्तों मंच पर आकर गर्व से कहेंगे कि भाई मेरी फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए दोस्तों। तो भाई इस तरह की भाई कमाई नहीं हुई है, तो भाई सलमान खान थोड़े सदमे में हैं और थोड़ी दोस्तों टेंशन में भी हैं। भाई सलमान खान इस मूवी के लिए मेहनत नहीं कर रहे, सिकंदर मूवी के साथ दोस्तों जो भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जो मेकर्स जुड़े हुए हैं, प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं, AR मुरुगोदास इस मूवी के डायरेक्टर साहब हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा जी और जान से इस मूवी को दोस्तों बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये जानते हैं कि सलमान खान क्या शख्सियत है। दोस्तों अगर भाई लोगों को 1.1% भी भाई तो भाई सलमान खान की एक्टिंग पसंद आ गई ना, इसकी पसंद आ गई, तो भाई मूवी कहाँ पर जाएगी आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब 2009 आया था सलमान खान का करियर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डूबा हुआ था, सारी फिल्में फ्लॉप थी, मुझसे शादी करोगी, जाने मन सब के सब दोस्तों भाई फ्लॉप थी, यानी कि भाई एक फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर था। गलती से दोस्तों इसे किस्मत से बोलो, गलती से बोल लो कि भाई 2009 में वांटेड आई, बोनी कपूर इस मूवी के दोस्तों प्रोड्यूसर साहब थे, जो कि भाई उन्होंने सलमान खान को अप्रोच करा, इस तरह की बातें बताई जा रही है, भाई सलमान खान पहले मना कर रहे थे लेकिन भाई फिर करी, करने के बाद दोस्तों भाई क्या हुआ था आप सबको तो पता है, इस मूवी ने उस वक्त पे तकरीबन 5 करोड़ की ओपनिंग उठाई थी, भाई आज के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन भाई 5 करोड़ की ओपनिंग उठाने के बाद जो इस फिल्म का दोस्तों लोगों पर जो क्रेज़ चढ़ा था भाई, तेरे नाम की तरह भाई लोगों पे क्रेज चढ़ गया था, बाल ले, टी शर्ट ले, कमीज ले, पैंट ले, दोस्तों भाई उस 2009 में भाई सलमान खान की किस्मत बदल गई। 2010 में भाई दबंग आई तो भाई सबके पीछे भाई चश्मा चढ़ गया, उसके बाद दोस्तों भाई 2011 में बॉडीगार्ड आई दोस्तों महा ब्लॉकबस्टर, 2012 के अंदर एक था टाइगर आई दोस्तों सुपर डुपर दोस्तों हिट, 2013 के अंदर भाई जे हो आई दोस्तों वो भी बहुत बड़ी हिट, 2014 के अंदर तकरीबन प्रेम नतन धन पाया दोस्तों भाई वो भी बहुत बड़ी हिट हुई दोस्तों, लेकिन इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन भाई उसकी जो ओपनिंग उठी थी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग उठी थी 2014 के मुकाबले में, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। 2015 में दोस्तों बजरंगी भाईजान आई, इससे बाहुबली से क्लेश था, जो कि भाई बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद दोस्तों भाई जो सलमान खान का भाई जो करियर डूबा है, ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट के बाद दोस्तों एक था टाइगर आई थी दोस्तों वो हिट हो गई थी ठीक ठाक दोस्तों भाई, एक टाइगर जिंदा आई थी वो ठीक ठाक हिट हो गई थी, लेकिन भाई टाइगर जिंदा के बाद जो फिल्म आई थी जैसे कि भारत ले लो एवरेज मूवी थी, ट्यूबलाइट ले लो एवरेज मूवी थी, राधे मूवी ले लो जो कि लॉकडाउन के अंदर OTT पर रिलीज़ कर गई थी दोस्तों वो भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप और एवरेज मूवी बोल सकते हैं उसे। उसके बाद दोस्तों भाई सलमान खान की किसी का भाई किसी के जान आई दोस्तों भाई, उस उम्मीद के हिसाब से भाई इस फिल्म ने कमाई नहीं करी जो कि ईद के मौके पर आई थी। उसके बाद दोस्तों भाई Tiger 3 आई, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इसके अंदर, शाहरुख खान का कैमियो था, लोगों को दोस्तों शाहरुख खान का कैमियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, सलमान खान को भी पसंद करा, लेकिन भाई जो उसकी जो स्क्रिप्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी दोस्तों। तो गाइस अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सलमान खान, चाहते हैं कि भाई मेरी जो फिल्म है ये थोड़ी बहुत दोस्तों हिट हो जाए, इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी होगी उस पर मैं धमाका करूँगा, जैसे कि भाई पठान के साथ हुआ था। अब शाहरुख खान को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरी जो मूवी है पठान मूवी दोस्तों इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, फैंस इतना बड़ा प्यार देंगे मुझे दोस्तों, भाई शाहरुख खान ने कभी नहीं सोचा था। जब भाई फ्लोर पर आई, जब भाई बॉक्स ऑफिस पर धमाका करा
तो गाइस शाहरुख खान के दिमाग में अजीब सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई मैं बॉयकॉट गैंग से, भाई जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। फिर भाई जवान ने क्या करा, आप सबको तो पता है कि भाई जवान के साथ साथ दोस्तों भाई बॉयकॉट गैंग का खात्मा भी हो गया। दोस्तों मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि भाई जवान के बाद अभी कोई भी फिल्म दोस्तों बॉयकॉट नहीं होती है। तो भाई जवान के साथ साथ भाई बॉयकॉट गैंग का खात्मा भी हो गया है। अब कुछ लोग बोलते हैं, गिने चुने भाई वो बोलेंगे ही, कुछ लोग होते हैं घर के अंदर, बाहर के अंदर, पड़ोसी मोहल्ले में दोस्तों जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई सलमान खान सिकंदर मूवी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। और भाई ये भी बताया जा रहा है कि भाई सलमान खान के जन्मदिन पर इसका एक टीज़र आएगा दोस्तों, जो कि फ़िल्म को हाइप बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो गाइस ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये साजिद नाडियावालिया, सलमान खान, AR मुगोदास की तरफ से दोस्तों भाई ये कंफर्म नहीं है। लेकिन भाई जो सोशल मीडिया पर बातें चलती ना, तकरीबन दोस्तों 99.99% भाई सच हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई जन्मदिन पर कोई भी चीज़ खाली नहीं जाएगी, डेट अनाउंसमेंट टीजर भी आ सकता है, उसके अंदर सलमान खान का दोस्तों लुक रिवील कर जाएगा, कुछ फाइट सीन दोस्तों होंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो गाइस यानी कि टोटल मिलाकर जन्मदिन पर भाई या तो टीजर आएगा या फिर डेट अनाउंसमेंट टीजर आएगा, क्योंकि भाई कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सलमान खान की फ़िल्म दोस्तों ईद के मौके पर दोस्तों नहीं आ रही है। लेकिन भाई ये बात तो पक्की हो चुकी है, लोग हो चुके हैं कि भाई सिकंदर मूवी ईद के मौके पर 2025 में आएगी। भाई मूवी अच्छी हो बुरी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, मूवी तो भाई ईद के मौके पर आएगी। बाकी आप सिकंदर मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सलमान खान के जन्मदिन पर टीजर से आने वाला इस एक्साइटमेंट पे क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल है सपोर्ट करें भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो।